पाशर्वनाथ मंदिर है वो, श्रृंगारित बुलंद दरवाजा भाई, किले की दीवार है भाई, ऐसा कुछ लग रहा है ये तो। अब रात तक थोड़ा थोड़ा इधर उधर कवर कर लेते आसपास का छोटा मोटा चीज। कैसा लग रहा है भाई? ओ भाई भाई देख रहे हो, देखो उसको काट। अपन लोग कहाँ पे आ गए? चंदा थे भाई। नाम क्या जगह का? नाम कोई चंद्रशेखर टेम्पल और नगिरी। हाँ तो गाइस, अभी हम चंद्रशेखर टेम्पल पे। ये भी टेम्पल पुराना, क्योंकि 16th सेंचुरी में फाउंड किया था जो भी एंशिएंट लोग थे। सो यहाँ का भी स्ट्रक्चर सेम है भाई। अष्टकोण स्नानागार, जिसका आकार षटकोण से बड़ा, जो अष्टकोण होता है आठ कोनों वाला, उसके हिसाब से बना हुआ है। आठ कोने इसके। तो भाई अभी अपन आ गए हैं, गुफा और महल है। बेसिकली एक छोटा सा गुफा है जिसके अंदर ही अंदर महल का रास्ता होता है, जो भीतरी नीचे से वो है। छोटा सा एरिया है लेकिन कहीं ना कहीं मंदिर और महलों से जुड़ा हुआ है। ओ भाई ये क्या मिल गया हम लोग को, निपुण भाई कितना खतरनाक नजारा है भाई। इतना बड़ा पत्थर भाई, छोटे से पत्थर पर टिका हुआ है। गाइज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इधर पूरा ढलान है, पूरा नीचे छोटे से पत्थर पर टिका है भाई। भाई जगह जगह पे इस टाइप का स्कैनर लगा हुआ है। 35 रुपये ना पर पर्सन, 35 रुपये यहाँ पे है। हाँ ठीक है ना, कर दे। बिल्कुल एंट्रेंस में आ गए, ये लगता है गुप्त द्वार है, पीछे से निकलने का रास्ता लग रही है। बस महल से आगे आने के बाद हम लोग को कुछ ये बोर्ड मिलता है और साइड में ऐसा कुछ व्यू है, और सीधे सीधे जाने पे हम लोग को पाशर्वनाथ मंदिर मिलेगा, और उधर ही उसी वे पे अपना श्रृंगारित बुलंद दरवाजा भी है, और राइट साइड में रंगा मंदिर करके एरो दिखा रहा है। तो भाई किस साइड पड़ेगा वो? उधर ठीक है, चलो चले। तो भाई ये कॉर्नर पे, चारों कॉर्नर पे इस टाइप का टावर बना हुआ है, बट पता नहीं पुराने समय में इसको क्या बोलते थे भाई, किस टाइप का है ये टावर? वॉच टावर ही दिख रहा है वो, है ना, निगरानी नजर रखने के लिए। भाई अभी हम लोग आ चुके हैं राजा का, जनता का दरबार। तो ये बहुत बड़ा एरिया है, देख सकते हो आप पीछे भाई, इतना बड़ा एरिया है कि मेरे को कैमरे में भी कवर करते नहीं है बन रहा है। बहुत बड़ा एरिया है, मतलब कि भाई ये राजा का जनता का दरबार के लेफ्ट में जो आप देख रहे हैं, मेरे लेफ्ट में, अब मेरे लेफ्ट में, ओके ये तो ये राजा का जनता का दरबार, और फिर उसी लेफ्ट में लेने पे आगे जाने पे भूमिगत कक्ष और हजार रामचंद्र मंदिर, राइट साइड वो है रामचंद्र मंदिर, आपको दिख रहा होगा पीछे डार्क कलर में, तो वो है रामचंद्र मंदिर। ठीक है, दिखाते हैं आपको थोड़ी देर में बाकी का शॉट्स। चेम्बर्स टाइप के बने, हर एक चेम्बर्स है, सेनापति जो महाराजा होंगे ना, हाँ। सब चेम्बर्स है, और फिर वो मेन वाला है राजा का दरबार जहाँ पे सभा बैठती थी, जो भी चीज वहाँ पे राजा बैठते थे ऊपर, वही है। यहाँ पे राजा का ऑडिटोरियम है, यहाँ पे सभा बैठती थी पूरी, देख सकते हो अभी कि पूरा एकदम बड़ा स्पेस है, चेम्बर्स टाइप के बने हर एक जगह। बेसिकली निशाने का रूट है, यहाँ से राजा लोगों का जो ऑडिटोरियम का रास्ता है, अलग अलग द्वार है यहाँ पे। भाई 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 मज्जा भाई, मज्जा मज्जा भाई, ये राजा का एरिया है भाई, यहाँ पे बिना पूछे कहीं भी कूदना, सुसाइड करना भी मना है। भाई ये रामचंद्र मंदिर,
भाई ये है शिव टेम्पल, रामचंद्र मंदिर के पीछे वाले हिस्से में पड़ेगा ये। कुछ इस टाइप का लॉन है और बीच में ग्रीनरी के बिल्कुल शिव जी का मंदिर है। तो भाई अब हम लोग निकल पड़े हैं भाई वीरपक्ष टेम्पल। अपन एंटर कर रहे हैं विजयनगर भाई, विजयनगर आ चुके हैं भाई। हम्पी 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 बेसिकली गाइस अभी हम विरूपक्ष टेम्पल पहुंच गए। विरूपक्ष टेम्पल एक भगवान शिव का ही रूप है, इससे एक जुड़ी कहानी है भगवान शिव और रावण की। जब भगवान शिव ने रावण को शिवलिंग दिया था लंका लेके जाने के लिए, तो वो यहाँ पे रुके थे। तो उन्होंने किसी बुजुर्ग व्यक्ति को वो शिवलिंग दे दिया था, तो वो बुजुर्ग व्यक्ति ने वो शिवलिंग को जमीन पर रख दिया था। तब से लेके आज तक वो शिवलिंग कोई नहीं हिला पाया। तो और अभी यहाँ पे भगवान शिव की विरूपक्ष रूप की पूजा की जाती है, तो इन्हें विरूपक्ष टेम्पल भी कहा जाता है। यहाँ पे कर्नाटक हम्पी में सबसे मोस्ट फेमस टेम्पल है ना विजय। सो ये कुछ इंटरफेरेंस व्यू है और आसपास बहुत सारे स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर है, तो आप देख सकते हो। मंदिर है ना, यहाँ पे शिवलिंग है वो दक्षिण की ओर झुका हुआ है। यूजुअली ऐसे देखने को नहीं मिलता है, तो ये मंदिर में दक्षिण की ओर शिवलिंग झुका हुआ है, मतलब ये यूनिक है, यूनिक शिवलिंग है। तो और फेमस, बहुत फेमस है कर्नाटक का, ये सबसे फेमस मंदिर है। भाई एक नंबर, जब महादेव के बाद जब भी अपन आते हैं तो एकदम अलग ही फील होता है। सोमनाथ का भी यही हुआ था, अलग ही कनेक्ट है भाई। ये मेन मंदिर है लग रहा है, उसके बाद गर्भगृह है पीछे। तो भाई अपन निकल चुके हैं मंदिर के बाहर। यहाँ पे भाई साहब लोग की पूरी फौज है, इनसे खासकर बचना होता है हमने मोबाइल के हाथ से। भाई एंट्रेंस का भी ऊपर का भाई गुंबद दिख रहा है, और फिर ये स्नानागार के ऊपर ये मंदिर का भाई एग्जिट गुंबद। तो फिर देख सकते हो भाई आप लोग, यहाँ पे टॉप भी दिख रहा है, मंदिर का पूरा हिस्सा ही है राइट साइड, और यहाँ से एग्जिट होता है। भाई देख लो भाई क्या सुंदर नजारा है भाई, ये जस्ट विरूपक्ष टेम्पल के बाजू का हिस्सा है भाई, ये मजा आ गया भाई, मजा आ गया। और ये हम लोग निपुण पूरे थकेले हालत में डांस करते हुए, और ये भाई लोग फुल पोज दे रहे हैं अपने बुलेट पे। ठीक है भाई, हो गया, ओके ओके, खुश पूरा खुश। भाई एक और टेंपल आ चुके हैं अपन, अपनी ब्लैकी के साथ। जब हम लोटस महल आएंगे, जब वो बीच वाला एग्जिट हम लोग